हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हो? केम छो? आज एक हमारे लैब में झलक बताते हैं। क्या झलक है आप देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये EMCIC का ट्रैक है। मतलब सबको भी समझ में आए जैसा बताना होता तो मोबाइल का हार्ड डिस्क का ट्रैक है। जो आपका मेमोरी रहता है उसका IC का ट्रैक है। और इसका किसी ने इसको निकाल के कुछ तो कुछ करके इसका पूरा ख़राब किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, झलक देख लिए। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो भी दिख रहे हैं, ये जो ट्रैक्स गए हुए हैं, हम इसको हमारे हमारे तरीके से इसको कुछ मॉडिफाई करके इसको रेडी करके इस फ़ोन को देना है। ऐसा है क्योंकि ये हमारा दुकानदारों से आते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी रहता है काम, इसीलिए ऐसे काम करना ही पड़ता है हमारे को। और ये देखो कितना ट्रैक्स गए हुए हैं, बहुत सारे ट्रैक गए हुए। ये फ़ोन बनेगा या नहीं बनेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें। कोशिश कभी हार नहीं होता। व्हाट इज दिस? चलिए अभी काम शुरू करते हैं। सिर्फ बताते बैठने से मज़ा नहीं आएगा, कुछ काम भी करते हैं। अभी हम एक्चुअली ये सादा वाला ब्लेड नहीं रहता है, ये ब्लेड मेडिकल से लेना पड़ता है। इसको 11 नंबर का ब्लेड कहा जाता है और ये ऑपरेशन ब्लेड है। इसको मेडिकल के भाषा में बोलना होता तो सीजर बोलते हैं, 11 नंबर सीजर। 11 नंबर सीजर से हमारे मोबाइल के टेक्नीशियन के लिए बहुत हेल्प होता है। ये ब्लेड का प्राइस है लगभग 10 रुपये आसपास रहता है, क्योंकि मैं एक पीस नहीं लेता हूँ इसलिए मेरे को रेट पता नहीं रहता प्राइस कितना है क्या है। अगर आप एक दो चार लेते होते तो 10 रुपये हो सकता है मोस्टली। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्या प्रॉब्लम्स है कि इसके ट्रैक बहुत प्रॉब्लम्स आए हुए। ये ट्रैक्स कैसा भी करके हमारे को रिपेयर जितना होता उतना तो कोशिश करते हैं। ये तीन ट्रैक तो चलो आपके लिए मैंने आसानी जो होता है उतना ही बताता हूँ, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है। जितना आसान काम है उतना कम से कम आपको बता सकता हूँ मैं। ज़्यादा हार्डली काम रहता तो मैं भी बात करते करते वीडियो करते करते को ये वीडियो नहीं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिमाग में चलता रहता है और काम कुछ भी रहता है। अपना काम तो ऐसा ही है ना। एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ कि इस चैनल हमारा जो चैनल है राधे मोबाइल रिपेयर कोलापो,
इसको सबके सब लोग ने सब्सक्राइब करना चाहिए, इसीलिए तो ये बता रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और हम हमारे साथ अपने लिंक में रहेंगे, हमारे वीडियोस पे आपने देख के कुछ सीख लेंगे। अभी तो इंडिया में लॉकडाउन बहुत उधर उधर चल रहा है, किधर चल रहा है किधर नहीं चल रहा है, घर पे बैठे बैठे काम करना चाहिए, क्योंकि पैसा लेके कोर्स लेने का वो तो कभी भी हमारे को मौका मिलता है, लेकिन ऐसा किसी को घर बैठे वाले को मदद करने का बार बार मौका नहीं मिलता है, इसीलिए तो ये फ्री क्लासेस मैंने शुरू किया है। लेकिन फ्री क्लासेस शुरू किया है मतलब ऐसा इसको कुछ स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए ना, तभी मज़ा आता है हमारे को, कुछ ज़्यादा लोग देखना चाहिए, ज़्यादा लोग देखते हैं, हज़ारों से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी होना चाहिए, सिर्फ आपका फ़ायदा देखा तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सेल्फिश नहीं रहना चाहिए, खुद का नहीं सोचना चाहिए, किसी और का भी सोचना चाहिए, हम आपका हेल्प करते हो तो तुम सब्सक्राइब करके हमारे को खुश करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे को पता चलता है कि हमारे फैंस कितने हैं, हमारा लाइक वीडियोस कितने लोग लाइक करते हैं, और लाइक भी करना चाहिए ना, लाइक किया तो हमारे को पता चलता है कि लाइक कौन कर रहे, कितने लोग कर रहे, कौन कर रहे, कहाँ से कर रहे, इतना सब पता भी चलेगा ना। एक्चुअली ऐसे सब ट्रैक रिपेयर करने के वीडियोस बनाते नहीं ज़्यादातर कोई, मैं क्यों बता रहा हूँ कि बोगस चैनल नहीं है ये, फालतू चैनल नहीं है, किसी को हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है, उसके लिए हेल्प होना चाहिए, वो हेल्प होना चाहिए, होएगा या नहीं होएगा ऐसा कुछ आपको भी प्रूव होना चाहिए ना, इसीलिए ऐसा ये लैब में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे भी आजकल वीडियो बना के डालने में टाइम नहीं रहता है, अभी लॉकडाउन रहने के वजह से घर पे है, काम करने का भी इतना मूड नहीं आता है, क्योंकि आइटम्स मटेरियल्स शॉर्टेज बहुत है, आईसी वगैरह स्पेयर पार्ट सही से मिल रहा नहीं है, तो एक मोबाइल खोलने के बाद में कुछ तो उसका आईसी का शॉर्टेज होता है तो मूड ऑफ हो जाता है, फिर दूसरा फ़ोन फिट करके दूसरा फ़ोन खोलना पड़ेगा, ऐसा करना होगा तो प्रॉब्लम ही होता होगा। क्या करते हैं, अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमें वेटिंग करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ इलाज नहीं है ना। हाँ एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को भी अपने तरफ से फ़ोन रिपेयर करके लेना है तो हमारे पास आपका फ़ोन कुरियर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमने सर्विस दे सकते हैं, जल्दी जल्दी से हमारा एक वेबसाइट भी ओपन होएगा, वो वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा आपका फ़ोन, फिर हमारे पास डिस्पैच करना होगा, हमारे पास आने के बाद में हम रिसीव बोल के आपको एक रिसिप्ट देंगे, ऐसा सब कुछ प्लान्स है हमारा फ्यूचर का, लेकिन ये लॉकडाउन आने के वजह से सब स्टॉप कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं तो फिर हम बहुत रिस्की में रहेंगे ना, कोई कोरोना पेशेंट का फ़ोन हमारे पास ना आ जाए। चलो इसको टीका लगाए, इसको टीका लगाए, इसको थोड़ा सा मर्यादा दे, फिर इसको हम किधर गया, कैमरा टर्न हो गया था, सॉरी कि हम
हमारा कैमरा थोड़ा सा लूज है, उसको सही से फिट करके काम करना पड़ेगा। देखो ये वीडियो और ऑडियो दोनों भी अलग अलग डिवाइस से हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो और ऑडियो में सुनने में और देखने में। इतना तो कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कि जो ये मेरा कैमरा है इसमें माइक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने अलग तरीके से उसको से मैंने वीडियो करके पार्ट बना रहा हूँ। चलो तब से वीडियो में सिर्फ बताया जा रहा है, कुछ तो होना भी चाहिए अभी। बहुत लोगों ने यूट्यूबर्स सिर्फ चैनल में पैसा कमाने के लिए भी कुछ भी फालतू वीडियोस बना के डालते रहते हैं, लेकिन कुछ काम करने रहता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। एक दुकान में एक एक्सपर्ट रहता है, एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट में भी अलग अलग तरीका होता है, नेशनल इंटरनेशनल ऐसा अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। और वो लोकल एक्सपर्ट था, लोकल मतलब लोकल में लोकल होता है, वो एक्सपर्ट था। ना ही उसके पास ज़्यादातर टूल्स थे, ना ही ज़्यादातर टूल्स थे और ना ही उसके पास इतना नॉलेज भी था। नॉलेज और टूल्स किधर से भी आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी का दुकान में नहीं मिलता, किसी के यूट्यूब में नहीं मिलता। ऐसा मिल जाए जैसा गूगल में यूट्यूब में सर्च करके मिल जाए, ऐसी बात है नहीं ये। इसीलिए ये बता रहा हूँ मैं कि वो जो लोकल एक्सपर्ट है ना, उसने क्या करता है, जो भी दुकान में आता है, एक्चुअली ये कहानी नहीं है, एग्जांपल नहीं है, एक रियली है, रियली ये रियली स्टोरी है। और उसने क्या करता है, नाम तो है उसका क्योंकि उसने बहुत जुना दुकान है उसका, लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ ऊपर का ऊपर ही काम करने का देखता है, मेहनत नहीं करता है, ऊपर का ऊपर ही काम करने देखता है। और जो भी बड़ा सा उसका काम लगा तो उसका हजार हजार रुपये लेता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, मुँह में जैसा आता है वैसा लेता है। अगर फ़ोन रिपेयर हुआ तो ठीक है, भले कितना भी वो पैसा हो, बात अलग है, उसका उसका मेहनत उसके लिए वैल्यू होता है, अपने लिए वो कंसर्ट नहीं है। क्योंकि एक फॉल्ट ढूंढने के लिए कई बार चार चार पाँच पाँच दिन लग जाता है, क्योंकि दूसरे नींद छोड़ के काम छोड़ के वो फॉल्ट ढूंढने के लिए वैल्यू कभी कर नहीं सकते। इसीलिए वो क्या होता है, मैंने उस वो नहीं बोल रहा हूँ कि उसने पैसा ज़्यादा ले रहा है लेता है, मैंने ये बता रहा हूँ कि उसने बनाया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो उसने क्या करता है पता है, उसको जो चाहिए पार्ट उसको गर्म करके ज़्यादा ही हॉट करके, लिमिट से ज़्यादा ही हॉट करके उस आईसी पार्ट को, बोर्ड को पूरा डैमेज कर देता है, और डैमेज करके दे देता है। फिर क्या होता है, फिर
क्या होता है, मैं थोड़ा एक काम करते बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा बात करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे को काम काम इम्पोर्टेंट बात से भी, ये मेरे को स्टोरी तो बताना ये ज़रूर है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा करते हैं, इसीलिए तो बताना चाहता हूँ। उसने क्या करता है, पूरा बोर्ड डैमेज कर देता है गर्म करके, पूरा गर्म करके, ज़्यादा हॉट हॉट करके, ओवर टेम्परेचर रख के वो बोर्ड को डैमेज कर देता है। फिर वो बोर्ड डैमेज होने के बाद में दुकानदार को क्या लगेगा कि ये इसके पास से कभी भी रिटर्न आ गया तो किधर भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, वो इंटरनेशनल से बड़ा एक्सपर्ट है वो, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसीलिए मैंने तो अभी तक ऐसा करता नहीं, कर भी कोई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब का फ़ोन रहता है, किसी का गरीब का फ़ोन रहता है, कोई स्टूडेंट का रहता है, किसी बहुत लोगों के मोबाइल से भी बिजनेस चलता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटास रहते हैं, अपने को कितना पता है उतना करके देना चाहिए। उसने क्या करता है, पूरा बोर्ड जला के, पूरा बोर्ड डैमेज करके दे देता है, ये गलत बात है ना। पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन नाम कमाने के चक्कर में दूसरे का लॉस क्यों करने का, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये हकीकत स्टोरी है कि चलो एक बॉल तो रेडी कर दिया मैंने, एक बॉल के पास तो जंपर कर दिया। अभी दूसरा वाला करे, कि कभी भी ऐसा कोई मत करो, क्योंकि ये गरीब मजदूर रहता है, बाप बेचारा वो कितना मुश्किल में रहता, क्या बता, हमारे को 100 200 रुपए नहीं मिल रहा है बोल के उसके स्पेयर पार्ट निकालने का या उसका बोर्ड डैमेज करने का, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है ना। ध्यान से देखो वीडियो, क्योंकि ऐसा वीडियो तुम्हारे को कोई यूट्यूबर्स नहीं डालते, और मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं सिर्फ हमारे टेक्नीशियन लोगों को, मतलब इम्पोर्टेंट मेरे लवली कस्टमर्स के लिए है ये तो वीडियो, क्योंकि वो सब, वो भी कई कई लोग इसमें से, मैं जो स्टोरी बताया ऐसे करता है कि उसको कुछ भी खराब कर देने का। अरे यार फोन तो ऐसा है कि फोन के अलावा चलेगा ही नहीं लाइफ में, तो फोन के अलावा कुछ चलता ही नहीं, ऐसा फोन को क्यों खराब करते यार, मत खराब करो ना। अगर कोई हमारे पास नहीं आना होता तो ठीक है, नहीं बताओ, लेकिन दूसरे के पास तो भी लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे से भी कोई अगर आगे एक्सपर्ट रहते हैं ना, अगर मैं इतना सब बता रहा हूँ तो मेरे से भी कोई बड़ा एक्सपर्ट रहेगा ही ना, मैं ही एक्सपर्ट हूँ बोल के मानना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उसको अहंकार बोलते हैं, इतना अहंकार इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। ए टू जेड सीखना चाहते हो तो ही हमारा चैनल को
सब्सक्राइब करो। मैंने पूरा हार्डवेयर का क्लासेस कंप्लीट करता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर का करना या नहीं करना है फिर बाद में डिसाइड लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे को इतना सब्सक्राइबर चाहिए कि हम खुश हो जाए, इतना सब्सक्राइबर चाहिए कि हम खुश हो जाए। अरे ट्रैक मिल रहा ही नहीं। यहाँ से तो ट्रैक है लेकिन यहाँ से क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ग्राउंड भी है, अगर ग्राउंड में डाल दिया तो शॉर्ट हो जाएगा। काम एकदम सॉफ्ट करना चाहिए, कभी भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आगे वाला कस्टमर्स बहुत गड़बड़ करते रहता है कि उसका जान जा रहा है। कभी भी काम करते समय गड़बड़ नहीं करना चाहिए, भले 10 मिनट एक्स्ट्रा जाए आराम से करना चाहिए। गड़बड़ जो शैतान होता है हमेशा खराब करता है। इसका जूम करके चेक करते हैं। एक्चुअली वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये इसके साथ में ट्रैक के साथ में है, वो ट्रैक ही है या ग्राउंड भी है। क्योंकि बहुत केयरफुली करना चाहिए ऐसे मामलों में, तो हमारे हाथों से कभी खराब ना होना चाहिए भूल की भी। चलो भाई एक्सीडेंट होता है कभी कभी, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए बोलता हूँ मैं।
देखो बात क्या है, समझ में आया? ट्रैक तो इधर था ऐसा समझ लगता था, लेकिन ट्रैक तो दूसरी जगह जा रहा है। ये देखो ट्रैक दूसरी जगह जा रहा है। अभी हमारे को क्या लग रहा था ये ट्रैक इसका ही है, तो हम क्या कर देते थे, इसको जोड़ देते थे। चलो ये सारे ट्रैक्स एक ही है, ये पता चला मेरे को। ये सारे ट्रैक एक ही हैं और ये ब्लैंक ट्रैक्स हैं। ब्लैंक ट्रैक होता है कभी कभी, ब्लैंक ट्रैक को हम इसको बाद में सोचेंगे, उसके जो काम करना है वो करते हैं। चलो इसका फाइनल हो गया, देखते इसका ट्रैक इधर है क्या। कोई कोई ने ट्रैक ढूंढते हैं कि वो बोर्ड घस घस के बोर्ड का इधर से उधर होल कर देते हैं, कि ऐसा हमारा इंडिया गेट का जैसा। सर दिल्ली में इंडिया गेट है ना, इतना बड़ा सा कमाना, ऐसा ऐसा कर देते लोग। इसीलिए उसके लिए 10 रुपये का एक बुलेट गया तो चलेगा, लेकिन काम अच्छे से करो। यानी तो ऐसे काम के लिए ब्लेड अलग, दूसरे काम के लिए ब्लेड अलग, दो ब्लेड रख दो, क्योंकि बार बार ब्लेड खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम में हम पैसा दिया तो भी मिलता नहीं, लॉकडाउन के चक्कर में। अभी एक जो ट्रैक है इसको भी चेक करते हैं, वो भी ऐसा ही ना निकले डमी ट्रैक, अदर ट्रैक रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो ये कंफर्म ट्रैक है, कंफर्म इसका ही ट्रैक है। इसको एक बार फिर से क्लीन करते हैं। देखो मैंने क्लीन भी कैसा करता हूँ, मेरा क्लीन करने का सिस्टम भी अलग है। ये सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, ऐसा कई लोग भी करते हैं। किसी किसी ने पेट्रोल डाल के क्लीन करते हैं, लेकिन पेट्रोल डाल के क्लीन तो होएगा, लेकिन जो पेट्रोल डाल के धोता है समझो वो ना ही एक्सपर्ट है। अगर एक्सपर्ट हुआ तो उसको पेट्रोल के बारे में नॉलेज ना होगा, इसीलिए वो पेट्रोल यूज़ करता रहेगा। क्लीन तो होएगा, लेकिन लेकिन क्या है, 99% फोन रेडी हुआ तो भी फिर से डेड होएगा या फोन चालू ही नहीं होएगा। कृपया करके पेट्रोल यूज़ ना करें कभी भी, हमेशा IPA यूज़ करें ज़्यादातर। तो एक दो ट्रैक बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, सोचो तो बाकी ट्रैक बनाने के लिए और कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने ये एक ट्रैक बनाता हूँ, देखो फिर आप वीडियो क्लोज करता हूँ, क्योंकि मेरे को बात करते करते काम करने को नहीं आता है, क्योंकि मेरे को बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बात करने का काम इम्पोर्टेंट है, बातों से कुछ भी नहीं मिलता है। बातों से किसी को मनाया जाता है या रुलाया जाता है। अपन मनाना और रुलाना दोनों भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने को पता है अपन क्या है और
देखो मैंने पेस्ट भी देखो जितना चाहिए उतना ही डाला है, और पेस्ट भी इसका अलग रहता है, जो जो सेम सेम जो आईसी के लिए अलग रहता है और आईसी रिमो के लिए अलग रहता है, आईसी फिटिंग के लिए अलग रहता है, एसएस ऑर्डर करने के लिए अलग होता है, वायर्स ऑर्डर करने के लिए अलग होता है। अलग अलग पेस्ट अलग अलग टाइप के काम करते हैं। और ये कॉपर वायर मैंने जो जोड़ रहा हूँ ना, ये इतना आसानी से मार्केट में मिलता भी नहीं। ऐसे कॉपर वायर टूल्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा टूल कितने में कितने लेवल में यूज़ करना चाहिए, ये सब पता भी रहना चाहिए। हाँ चलो मार्केट से एक SMD लेके आया, फोन खोला फटाफट, पेट्रोल डाल के धो के उससे हवा मार दिया या गर्म कर दिया तो हो गया, एक्सपर्ट बड़ा एक्सपर्ट बन गया। ऐसा तो नहीं है भाई लोग, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये समुद्र में आप तैर नहीं सकते, इसे सिर्फ नाव से जा सकते। अगर आप तैरने का कोशिश किया तो 100% क्या होगा, 100% कोई शार्क आके तुम्हारे को निगल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमारे बिजनेस में कुछ पॉलिटिक्स नहीं चलता है, जो आता है भगवान के नाम से करते रहने का बस, आप पर कितना मेहनत है उतना चार्जेस लेने का। चार्जेस के बारे में तो मैं कभी भी नहीं बोलता आपको, क्योंकि आपने भी मेहनत किया रहता है, ये एक कला है, ये कला भी है और बिजनेस भी है, हर एक का भी माइंड अलग होता है, हर एक का भी माइंड अलग ही होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि सब लोग परफेक्ट रहेंगे, और ये बात नहीं है कि सब लोग वो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा क्यों बता रहा हूँ वीडियो में कि अपने टेक्नीशियंस को मैं अपना मानता हूँ, इसीलिए अपने टेक्नीशियन को अपना मानना है तो अपन अभी कुछ बताने का जरूर है ना। देखो ये वायर इतना स्ट्रांग है कि इतना आसानी से टूटता भी नहीं, ब्लेड लगाने से भी। चलो अभी आपके लिए वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें बहुत ट्रैक्स जोड़ना है, देखो कितने ट्रैक्स भरे हैं, देखो बहुत सारे ट्रैक्स है। ये फ़ोन चालू होता है या नहीं होता वो तो पता नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक्स पूरा उसको ब्लैक पेस्ट रहता है, वो निकालते समय उसका शायद ख़राब किया है। देखो कितने ट्रैक्स है, एक दो ट्रैक के लिए उतना धीरे से लगता है, बहुत स्लोली काम करना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक बॉल को जंप देते समय, और वो बॉल अभी भी मैंने जंप जंप दिया है, उसको भी बॉल रेडी करना पड़ता है मेरे को, वो बॉल रेडी करके उसको एक कुछ और भी अल्टर करने के रहते हैं। देखो जो जंपर के काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है। सब लोग इसमें सब्सक्राइब करो, और आपको अच्छे से अच्छा मैंने
क्लासेस के बेसिक से चिप लेवल तक फ्री में, बेसिक से चिप लेवल तक फ्री में आपको मैं कोर्स देने का फैसला ले चुका हूँ। लेकिन लेकिन क्या है, मेरा जैसा लेवल बढ़ना चाहिए तो ऐसा सब्सक्राइबर होना चाहिए। मेरा कुछ टारगेट बनाया मैंने इतना सब्सक्राइब को होने के बाद में ऐसा वीडियो डालने का, इतना सब्सक्राइब होने के बाद में और ऐसा वीडियो डालने का, ऐसा है। इसीलिए सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो कितने लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।